देख सकते हो भाई अभी जो है ना गंगरेल डैम के टोटल 5 गेट खुले हुए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ये है मुख्य मंदिर अंगारमती माता का, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं अंगारमती माता का। देख सकते हो ये रहा जो है फेमस हनुमान जी का मंदिर, क्या जबरदस्त लग रहा है यार। वाटर स्पोर्ट्स टोटल अभी बंद है क्योंकि गंगरेल डैम भाई 27 TMC भर चुका है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक कैफ़े भी है, गंगरेल कैफ़े, जहाँ आप लोगों को यहाँ आते हो तो काफ़ी सारी जो वैरायटीज मिल जाएगी खाने पीने की, उधर मेन्यू में आप पढ़ सकते हैं। सुंदर नज़ारा आ रहा है यार, पता नहीं कैमरे में कितना आप लोगों को फील हो रहा है। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों अभी चल रहा है मानसून और मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूं दोस्तों छत्तीसगढ़ के दूसरा सबसे बड़ा बांध और पहला सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध। आप मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों ये है जो गंगरेल बांध का मुख्य जो डैम उसके गेट्स। तो इस वाले वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को अलग अलग डिफरेंट व्यू पॉइंट से जो है नज़ारा दिखलाने वाला हूँ गंगरेल डैम का। और अभी थोड़े दिन पहले इनफैक्ट परसों ही दोस्तों मेरे को यहाँ पे खबर मिली थी कि टेस्टिंग के लिए इस डैम के पूरे 14 के 14 गेट को खोलकर देखा गया था। तो भाई वो जो नज़ारा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत होता है। इससे पहले जब 2 साल पहले ये गेट खुला था उसको मैंने कवर किया था और इस साल भी पूरे के पूरे चांस है 14 के 14 गेट खुलने के। तो चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ आप लोगों को, दिखलाता हूँ डिफरेंट नज़ारे गंगरेल डैम के। तो ये देख सकते हैं भाई आप सराउंडिंग्स यहाँ का और लोग इधर कहाँ से कूद फांद के आ रहे हैं। और ये भाई क्या मस्त लग रहा है यार, इतना सुंदर लग रहा है। देखो मस्त ये जो डैम का गेट है ना उसको पेंट भी कर दिया वाइट कलर से। और अभी जो दोस्तों ये जो गेट है ना वो अपने पूरा एफिशिएंसी के साथ नहीं खुला, मतलब इसको ना थोड़ा थोड़ा ही खोला गया है। आप देख रहे हैं टोटल 14 में से 5 गेट तो ज़रूर खोला गया, बट इसका जो पानी निकलने का जो रफ्तार है ना वो काफ़ी कम है। देख सकते हो यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा ऊपरी भाग यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अगर 5 गेट अगर फुल एफिशिएंसी के साथ खोले ना भाई तो ये इलाका पूरा भाई पूरा पानी हो जाएगा। देख सकते हो आप, ये दोस्तों आगे जाके सीधा रुद्री डैम में जाता है, फिर रुद्री डैम से महानदी और मुख्य नहर में बढ़ जाता है। ऊपर आप देख सकते हो पूरा काला बादल छाया हुआ है भाई, बारिश होने का फुल चांस है अभी। अरे देखो इतना मस्त लग रहा है यार, मन कर रहा है भाई बस देखते ही रहूँ। अगर दोस्तों आप लोगों को मैं इस डैम की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो इस डैम का निर्माण दोस्तों 1977 से 78 के करीब हुआ था और 1979 में इस डैम को दोस्तों खोल दिया गया था। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा डैम है, इसकी जो लेंथ है वो है दोस्तों 1830 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर के करीब है। और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 30.5 मीटर है, लगभग 100 फीट के करीब। इसी के साथ दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। फर्स्ट नंबर दोस्तों क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं तो जानता हूं बट मैं अभी बता नहीं रहा हूं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे 10 मेगावाट का जो है वो पावर जो है जनरेट करने के लिए क्रेडन एक पावर स्टेशन भी लगाया गया है, जिसको जो हाइड्रो पावर प्लांट है, जहाँ से दोस्तों जो भिलाई स्टील प्लांट है उसको जो है वो पानी जो है वो दिया जाता है। तो देख सकते हो यार काफ़ी अच्छा है ये डैम। रायपुर से इसकी दूरी की बात करूं दोस्तों तो लगभग 90 किलोमीटर के करीब है और धमतरी से 8 से 10 किलोमीटर के करीब इसकी जो है वो दूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं अभी समय भी जाता हूँ, फ़ोटो वगैरह लेता हूँ, थोड़ा सा नज़ारे इन्जॉय करता हूँ, फिर आप लोगों को लेके चलूँगा मंदिर साइड, जहाँ पे दोस्तों अंगारमती माता जी का मंदिर, माता के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से भी एक दो व्यू पॉइंट से वहाँ से अपन जो है वो दीदार करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। Thank you.
देख सकते हो भाई, अभी अपन जो है वो माता अंगारवती मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा वो था मेन एंट्री गेट, और अभी ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे नारियल वगैरह ख़रीद लिया है। और संडे के हिसाब से भीड़ तो काफ़ी कम लग रहा है यार मेरे को, क्योंकि जितने भी सारे जो पार्किंग्स हैं ना वो पूरे के पूरे मेरे को खाली ही दिख रहे हैं यहाँ। बट अभी इस टाइम में इवनिंग में जो भीड़ है वो बढ़ता है, तो आई होप बढ़ेगा। बाकी देख सकते हो ये है मेन एंट्री गेट, चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर। और बाइक वगैरह यार अंदर तो लेके जाना नहीं चाहिए, बट इस वजह से मैंने उधर पार्किंग में डाल दिया। बट कुछ लोग जो वो पूरा मंदिर के सामने तक भी लेके जाते हैं, देख सकते हो। बट ये करना नहीं चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा है ना भीड़ बढ़ जाता है और पैदल चलने वालों को भी ना थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। तो दोस्तों अभी जो है वो मैं मंदिर के ठीक सामने पहुंच चुका हूं, तो चलिए सबसे पहले अपन ना माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद पीछे जो डैम का व्यू पॉइंट है वहां पे चलेंगे, पीछे के हनुमान जी का मंदिर उनके भी दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों ये है मुख्य मंदिर अंगारवती माता का, वन देवी है दोस्तों, इस वजह से देख सकते हो खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करती है माता जी। काफ़ी बार यहाँ पे दोस्तों ट्राई किया गया मंदिर बनाने का, बट पुजारियों के सपनों पे आके माता रानी ने खुले आसमान के नीचे रहने की जो है वो इच्छा जाहिर की। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है। और ये आप देख सकते हो सराउंडिंग्स, इधर आप लोगों को काफ़ी सारे जो है फल्स के दुकान देखने को मिल जाएंगे और देख सकते हो प्रसाद के दुकान वगैरह, और ये मिठाई वगैरह भी बिक रहा है देख सकते हो। वैसे तो पीछे डैम पहले जाना चाहिए, वहाँ से हाथ पैर धो के आना चाहिए फिर माता के दर्शन करना चाहिए, बट यहाँ बाजू में नल है वहाँ पे अपन पहले हाथ पैर धो लेते हैं, दर्शन करते हैं, फिर पीछे डैम की ओर चलेंगे। यहाँ पे नल से हाथ पैर धोने के बाद भीड़ आप देख सकते हो भाई, मंदिर के बाहर से ही जो है वो काफ़ी लंबी जो है वो लाइन लगी हुई है। तो अपन क्या चलते हैं आगे से दर्शन कर लेते हैं। जय माता। देख सकते हो दोस्तों यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं अंगारवती माता का, और भीड़ से आएंगे तो आप इधर से आएंगे आगे देख सकते हो। आप नवरात्रि के टाइम में आएंगे ना दोस्तों तो ये और इधर आगे एक और ये नंबर दो का ये एक और दो जो ज्योति कक्ष है यहाँ आप लोगों को दोस्तों घी और तेल का जो है वो जो जलता हुआ आप लोगों को यहाँ पे दर्शन होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये आंवले का पेड़ है, जब मैं छोटा था यार यहाँ आता था ना तो इस पेड़ से बहुत आंवले खाए हूँ भाई देख सकते हो। अब इधर पीछे हम लोग पिकनिक वगैरह के लिए आते थे मंदिर के जस्ट पीछे, तो इस पेड़ से काफ़ी आंवले तोड़ते थे हम लोग। ये वाला जो वीडियो है ना दोस्तों वो मैं जो है ना डैम को जो पॉइंट करके शूट कर रहा हूँ, इस वजह से मंदिर से जुड़ी जो कहानियाँ हैं जो डिटेलिंग है वो आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप दोस्तों इस मंदिर से जुड़ी कहानियाँ इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को दोस्तों जो मेन बेसिक पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि माता अंगारवती जो है वो वन देवी है, यहाँ पर उनका मंदिर क्यों नहीं बनाया गया है इतना फेमस होने के बाद भी। देख सकते हो कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपन चलते हैं मंदिर के पीछे की ओर जहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने किसी न किसी वीडियोस में या फोटोज़ में ज़रूर देखा ही होगा, और वहाँ से आप लोगों को जो है दोस्तों गंगरेल डैम का मैं नज़ारा दिखलाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अंगारवती माता जी का दर्शन करने के बाद देख सकते हो उनके मंदिर के ठीक बाजू से ही एक रास्ता जाते हैं जो आगे डैम की ओर लेके जाता है, देख सकते हो यहाँ से पानी अभी भी दिख रहा है।
भीड़ तो भाई मेन इधर ही देखने को मिल रहा है, देख सकते हो आप, और इधर भी आप देख सकते हो, दोनों तरफ आप लोगों को जो है वो दुकान वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो भाई, क्या जबरदस्त लग रहा है यार, तो मस्त लग रहा है। जब मैं पहले आया था भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा जो है फेमस हनुमान जी का मंदिर, उससे काफ़ी ज़्यादा पीछे था यार पानी मंदिर। दोस्तों लगभग 20 सीढ़ी के ऊपर में ये मंदिर है, आप लोगों को ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये मंदिर इस लेवल पे नहीं है। टोटल 20 सीढ़ी चढ़ेंगे तब आप लोगों को दोस्तों ये मंदिर पे चढ़ने को मिलता है, तो आप उससे जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है वो डैम पे पानी भर चुका है। इधर देख सकते हो आप पूरा भाई, कितना मस्त लग रहा है। थोड़ा सा आगे ले जाके दिखलाता हूँ आपको मैं, देख सकते हो सब यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। देखो आप पूरा इधर तक आ चुका है पानी भाई। तो देख सकते हो भाई यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए काफी भीड़ लग चुकी है। तो ये है दोस्तों एक और फेमस जो है वो व्यू पॉइंट गंगरेल का, देख सकते हो यहाँ से मस्त लग रहा है यार नज़ारा, पानी काफी भर चुका है। और अभी अपन इधर चलते हैं, इधर आप देख सकते हो इधर बोट वगैरह देखने को मिल रहा है ना, मिनी गोवा करके एक है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से आप लोगों को और जो बेटर व्यू मिलेगा देखने के लिए, देख सकते हो। चलिए फिर इधर ही से आए थे और इसी रास्ते से अपन आगे चलते हैं। हाँ देख सकते हो ये जो आप लोगों को ये दिख रहा है ना बोट टाइप से, ये भाई काफ़ी आगे लग रहता है मंदिर जो है ना, मंदिर के भी बहुत पीछे लग रहता है, फोटोग्राफी वालों का होता है ये बोट वगैरह, देख सकते हो आप। तो दोस्तों अंगारमोती माता मंदिर से हम लोग अभी वापस आ चुके हैं, और देख सकते हो जब आप वापसी पे रहेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों दो रास्ता देखने को मिलेगा, देख सकते हो। ये जो रास्ता दोस्तों आप लोगों को सीधा वापस धमतरी की ओर लेके जाएगा, बट इधर राइट में एक छोटा सा रास्ता कटता है, देख सकते हो आप, यहाँ पे कहीं बोर्ड वगैरह नहीं लगे, बट यही जो रास्ता है दोस्तों आप लोगों को लेके जाता है मिनी गोवा। आगे भीड़ से आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो भाई अभी मैंने पीछे यहाँ पे गाड़ी जो है वो अपनी पार्क कर दी है पार्किंग में, और इसके आगे आप लोग देख सकते हो बाइक वाइक तो ले जाना अलाउड नहीं है, नाका लगा हुआ है। आगे एक बढ़ दिया लेक व्यू रिजॉर्ट है, अगर आप लोगों को केवल इस रिजॉर्ट में जाना है ना, तो ही गाड़ी वागी आप ला सकते हैं आगे, अदरवाइज़ नहीं ला सकते। बाकी मौसम देखो भाई पूरा, और बारिश भी लगभग स्टार्ट हो ही गया, जो शावर है वो ऐसे फेस पे फील हो रहा है मेरे को, तो ज़बरदस्त यहाँ पे बारिश होने वाली है, इस पर तो कोई शक नहीं है। फिर भी चलते हैं आगे, इधर रुकने का तो जगह है ही, और ये चालू हो गया भाई बारिश। अरे भाई, तो भाई देख सकते हो यार, मैं ब्लॉग कर ही रहा था कि बारिश स्टार्ट हो सकती है, और इतना फास्ट स्टार्ट हुआ ना, कुछ कहा नहीं जा पाए भाई। देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ, एक खिलौने की दुकान है वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हो इधर पीछे मैं पॉलीथीन पकड़ रहा हूँ एक हाथ में, और यहाँ पे रुका हूँ भाई। मैं बोल ही रहा था कि बारिश स्टार्ट हो सकता है, इतना तेज स्टार्ट हो गया ना, क्या ही बोलूँ। तो भाई ये भी एक पासिंग सावर था जो कि आया फट से और निकल गया, और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये रिजॉर्ट बर्दिया लेक व्यू रिजॉर्ट, इसी रिजॉर्ट की बात कर रहा था। अगर आप इस रिजॉर्ट पर आना चाहते तभी आपके जो गाड़ी है उसको वहाँ से आगे आने दिया जाएगा। तो भाई अभी जब अपन थोड़ी देर पहले मंदिर साइड थे ना, तो थोड़ा थोड़ा ना गर्मी लग रहा था क्योंकि धूप आ गया था, और जैसे ही मिनी गोवा पहुँचा भाई पानी स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा भीग गया, लेकिन पानी अभी पूरा बंद हो चुका है, और मौसम भाई क्या बताऊँ, पहले से भी बहुत अच्छा हो गया, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है, और बादल जो पूरा छाया हुआ तो देख सकते हो आप, धूप भी बिल्कुल भी नहीं है, और मस्त लग रहा है यार। वाटर स्पोर्ट्स टोटल अभी बंद है क्योंकि गंगरेल डैम भाई 27 TMC भर चुका है, और अभी तो और ज़्यादा हो गया था, ये मैं आप लोगों को कल की न्यूज़ बता रहा हूँ, और टोटल इसकी जो कैपेसिटी है उसके दोस्तों 32 TMC इसकी कैपेसिटी, और 27 से 28 TMC ये भर चुका है, तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा जो है भर चुका है। ये देखिए भाई,
ये है नज़ारा कुंद्रेल डैम का। ये मिनी गोवा का इलाका आप देख सकते हो पूरा। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रिजॉर्ट है बर्दिया लेक व्यू रिजॉर्ट, और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह कराते हैं, इस वजह से रेत वगैरह डाला हुआ है। और इसी जगह को दोस्तों कहा जाता है मिनी गोवा। ज़्यादा नहीं दोस्तों, लगभग मैंने डेढ़ महीने पहले आया था ना, तो पानी इतना कम था भाई, इतना कम था। इनफैक्ट एक वीक तक भी यहाँ ना 4 TMC पानी था, 4 TMC। लगभग 8 दिन में भाई 4 TMC से 28 TMC भर गया। तो आप सोच सकते हो इसके कैचमेंट एरिया पे कितना बारिश हो रहा होगा। कांकेर जिला और धमतरी जिला, ये दोनों एरिया में जब बारिश होता है ना, तभी जो है दोस्तों गंगरेल डैम जो है भरता है। और ये देख सकते हो आप, मस्त ऐसा बना के रखे हुए मिनी गोवा में बैठने वगैरह के लिए। यहाँ से भाई पीछे था भाई पानी, यहाँ पे तो मैं भी पिछले बार आया था तो क्रिकेट खेले थे यहाँ पे, फोटो भी हो गया तो मैं डाल दूँ, इतना पीछे था पानी भाई। यहाँ पे देख सकते हो हॉर्स, इसी के मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ना हॉर्स राइडिंग भी कराई जाती है। देख सकते हो आप, 100 रुपये में आप लोगों को यहाँ पे एक राउंड दिया जाता है। तो ये हॉर्स भी है, कितना मस्त लग रहा है यार मौसम, देख सकते हो आप, मस्त हवा चल रहा है, खुशनुमा हो गया भाई। देखो ये यहाँ पे दोस्तों, ये जो रिजॉर्ट है ना पीछे बर्दिया लेक व्यू रिजॉर्ट, यहाँ पे प्री वेडिंग, वेडिंग इवेंट्स और हनीमून, ये सारी जो इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये आप देख सकते हो, ये सारे जो है ना वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे कराई जाती है, बट अभी कलेक्टर के आदेश के कारण बंद रखा गया है अगले आदेश तक, क्योंकि पानी काफ़ी चढ़ा हुआ है यार डैम का, इसके आगे जाना बंद है। देख सकते हो यहाँ पे गार्ड भी है और यहाँ पे रस्सी वस्सी बांध दिया है, और इसके आगे जाना मना है भाई। तो यहीं से देख सकते हो आप, क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है यार, पता नहीं कैमरे में कितना आप लोगों को फील हो रहा है, बट यहाँ पे जो मैं फील कर पा रहा हूँ इतने सुंदर नज़ारों के साथ, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये तीसरी बार है भाई बारिश फिर से स्टार्ट हो गया, और फिर से मैं जा रहा हूँ छुपने। तो देख सकते हो भाई बारिश स्टार्ट हो गया, तो अभी मैं इस शेड के नीचे आके रुका हुआ हूँ, देख सकते हो आप। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक कैफ़े भी है, गंगरेल कैफ़े, जहाँ आप लोगों को यहाँ आते हो तो काफ़ी सारी जो वेराइटीज़ मिल जाएगी खाने पीने की, उधर मेन्यू में आप पढ़ सकते हैं। और देख सकते हो बोट वगैरह को पूरा भी अंदर रखा है, और ये बच्चों के खेलने के लिए भी। पानी दोस्तों फिर से रुक चुका है, चलिए बाहर चलते हैं। तो देख सकते हैं यार पानी का कलर अभी पीला पीला हो गया है, क्योंकि जो जंगलों से दोस्तों जो है पानी होते हुए आ रहा है ना, तो जंगल में क्या है मिट्टी वगैरह रहती है, इस वजह से जो है कलर इसका जो है वो पीला हो गया। बट बारिश के एक दो महीने के बाद जो मिट्टी पूरा नीचे बैठ जाता है और पानी का कलर काफ़ी साफ हो जाता है यार। तो ये है भाई गंगरेल डैम मिनी गोवा का व्यू पॉइंट, काफ़ी मस्त है। तो बस यार वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, और मैं आप लोगों को दोस्तों एक लाइन में कहूँ ना, तो ये ना फुल डे पिकनिक डेस्टिनेशन है। यहाँ पाएंगे दोस्तों तो आप लोगों को माता का दर्शन होगा, साथ ही साथ इतने खूबसूरत डैम देखने को मिलेगा। मिनी गोवा में आप लोग आगे डिफरेंट डिफरेंट वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, साथ ही इसके आगे दोस्तों एक मानव वन एडवेंचर कैंप है, वहाँ पर भी आप जाके काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैं कभी और बनाऊँगा तो आप लोग उसको अच्छे से देखेंगे। इस वाले वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से दोस्तों इस वाले वीडियो को केवल मंदिर और डैम तक अपन सीमित रखते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।